हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम जो मैथ का कक्षा 10 के मैथ का जो लेशन नंबर 2 है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2 करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.1 कर ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वो जाकर के वीडियो वो भी देख लीजिए। अब इसको हम करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इसको बहुत ही ईजी हम कर देते हैं। सबसे पहले आप दो फार्मूले इसमें आपको याद रखने हैं कि जो शून्यक होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बहुपद दिया जाता है इसको हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के द्वारा इसमें हमको शून्य ज्ञात होते हैं, उन्हीं शून्यकों का योग ज्ञात किया जाता है, और इस बहुपद का एक्स का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक रख के उसके योग और गुणनफल का जाँच करना है। बस इतना ही करना है। सबसे पहले आपको ये इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के हम बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक तरीका बताएंगे, जिसमें आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा गुणनखंड जब हम करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 8, देख लेते हैं, सॉरी माइनस 8 है तो ये हमारा माइनस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो प्लस 1, और जो अचर पद है वो हमारा कितना है, चिन्ह के साथ लेंगे तो माइनस 8। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस 1 और जो हमारा अचर पद है वो माइनस 8। इसका जब हम गुणा करते हैं, प्लस का गुणा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस और 8 एकम 8, यानी जो आया क्या हमारा माइनस 8। तो जब हम 8 का गुणनखंड करके, यानी कि जो बीज की संख्या हम लाएंगे उसको क्या करेंगे, जब ये चिन्ह माइनस आया तो हम घटा करके लाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या, बहुत सारे टीचर भी ऐसे बताते हैं कि आपको जोड़ या घटा करके बीच वाली संख्या लानी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी इसका गुणा करने पे अगर माइनस आता है तो बीच वाली संख्या को घटा करके लाया जाता है, अगर ये प्लस आता है तो बीच वाली संख्या को हमें इसके गुणनखंडों को जोड़ करके लाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही आपको काम आएगा ये ट्रिक, कि हमेशा गुणनखंड जब भी करिए, ये चीज़ दिमाग में रखिए, जब भी हम इसका गुणा करते हैं तो अगर माइनस आता है तो बीच वाली संख्या गुणनखंडों को जोड़ करके लाते हैं, अगर ये प्लस आता है तो ये वाली संख्या को हमें जोड़ करके लाना है। तो चलिए देखते हैं, ये माइनस था यानी घटा करके लाना है। तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 × 8, और 4 से जब 2 को हम घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी देखिए इसको 2 की जगह पर हमें लिखना है 4 − 2x। अभी इसको जब हम, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब चिन्ह का जब हम गुणा करते हैं इस तरह से, अगर बॉक्स में रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो जब चिन्ह का गुणा करेंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आप पहले ही डायरेक्ट 4x और 2x रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, चिन्ह आप सही नहीं कर पाते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको बॉक्स में पहले रखना है माइनस 8, अब गुणा कर लेना है एक्स स्क्वायर, इसमें जब x का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में माइनस 4x, और जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 2x और माइनस 8। अब हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन क्या मिल रहा है हमें, तो इसमें हम देखते हैं हमें कॉमन x मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ पे x कॉमन हो गया तो बचेगा 4, और प्लस इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे माइनस 2, 8 को काटेंगे तो 4 बार। अब हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 4 ये हमारा दोनों में कॉमन है, और बचता क्या है, यहाँ पे बचता x और यहाँ पे प्लस 2, तो यानी हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हमें करना क्या है, जब इसके शून्य ज्ञात करने होते हैं तो इनके बराबर हम शून्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसके बराबर हम शून्य मान लेते हैं। तो जब x माइनस 4 के बराबर हम शून्य करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4 और यहाँ से, और जब x प्लस 2 बराबर हम 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2। तो ये हमारे दो शून्य, जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं, इसको अल्फा और बीटा भी कहा जाता है। तो हमें अब सत्यता की जांच क्या करनी है, कि इनका शून्यकों का योग जो है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर है, या शून्यकों का गुणनफल जो है अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मूलों का योग हम जब ज्ञात करते हैं, मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 4 और प्लस बीटा का मान है माइनस 2। अभी हम बॉक्स में रखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये 4 और माइनस 2, ये हो गया हमारा 2,
अब हम देखते हैं क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो था हमारा, सॉरी अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक, यानी माइनस एक्स का गुणांक क्या था माइनस दो। उसके बाद हम देखते हैं क्या है जो हमारा नीचे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था एक, तो यहाँ से माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये दो हो जाएगा और नीचे एक है यानी कि दोनों हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। इस तरह से हम शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान दिया हुआ था चार और गुणे बीटा का मान माइनस दो, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस और चार दूना आठ, तो ये हमारा आ गया माइनस आठ। अब हम देखते हैं कि जब इसको अचर पद, यानी अचर पद इसमें था माइनस आठ और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक था एक, तो यहाँ से आ गया माइनस आठ यानी दोनों क्या हो गए बराबर। इस तरह से हमें सत्यता की जांच हो गई। अगला क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लेंगे, आपको सारे की सत्यता की जांच आप कर लीजिएगा, हम इसको गुणनखंड कर करके बाकी क्वेश्चन भी बताते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो था, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें लिखा होता 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको हम लिखते हैं 4s स्क्वायर और माइनस 4s प्लस 1, माइनस 4s प्लस 1, इसका गुणनखंड करना जो तरीका हमने बताया पहले वही इसमें भी अपनाना है आपको। एक से चार में गुणा करना, दोनों प्लस है तो प्लस चार हो गया, यानी कि अभी बीच वाली संख्या में क्या करनी है जोड़ करके ले आनी है। तो हम कैसे करेंगे, चार का गुणनखंड ये होता है दो गुणे दो, तो अगर दो प्लस दो लिखा जाए तो हमें चार आएगा, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो चार एफ स्क्वायर माइनस, इसको लिखते हैं अभी हमने क्या बताया इसको कोष्ठक में लिखना है, दो प्लस दो एस और प्लस वन, यहाँ से हम लिखते हैं चार एस का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस टू एस और फिर माइनस का प्लस में माइनस टू एस प्लस वन, इन दोनों में क्या कॉमन है तो इसमें टू एस कॉमन है, टू एस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा टू एस माइनस यहाँ पे बचेगा वन। उसके बाद जब अगला हम लिखते हैं यहाँ माइनस कॉमन है तो टू एस और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वन, तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल गया 2s माइनस वन, तो ये हम कॉमन ले लेंगे 2s माइनस वन, बचता क्या है यहाँ पे 2s और फिर माइनस वन, यानी दोनों में हमें सेम बचता है। तो यहाँ से जब हम इसके बराबर शून्य मानते हैं 2s माइनस वन बराबर जब हम शून्य मानेंगे तो s बराबर आ जाएगा एक बट्टे दो, यहाँ से जब एक को इधर हम ले आएंगे इस तरह से एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं 2s बराबर एक हो जाएगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, उसके बाद जब इसको हम इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो s का मान एक बटे दो आया और सेम प्रोसेस इसका भी होगा तो इसका भी एक बटे दो। तो अब आप मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल देख सकते हैं, ये अल्फा हो गया हमारा और ये बीटा हो गया। तो जब हम मूलों का जब योगफल करेंगे एक बटे दो और प्लस एक बटे दो, तो इसका मान एक होगा और जब हम इसका निकालेंगे माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस चार यानी कि ये प्लस चार हो जाएगा बटे एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो चार रखेंगे तो एक आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो एक बटे चार होगा। तो अगर हम अचर पद रखते हैं एक और एक्स स्क्वायर का गुणांक चार, इस तरह से इसकी सत्यता की जांच भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको भी इसी तरह से नोट करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले आपको क्रम में रखिए एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाले पद को, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। हमने बताया सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करते हैं चिन्ह के साथ, सॉरी गुणांकों का गुणा करते हैं चिन्ह के साथ, तो माइनस 3 और 6 प्लस 6 तो 6 त्रिक 18 जो कि हुआ माइनस 18, यानी हमें घटा करके बीच वाली संख्या 7 यानी ले आना है। तो हम इसको कर दें 9 दूना 18, 9 से 2, 9 गुणे 2 यानी 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 के जगह पे हम लिखेंगे 9 माइनस 2, आपको कोष्ठक में ही रखना है एक्स माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से 6x स्क्वायर, अब इसमें माइनस का गुणा होगा 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3, इसमें कॉमन क्या मिल रहा हमें यहाँ 3 और हमें x कॉमन मिल रहा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ पे 3, उसके बाद प्लस यहाँ कॉमन है प्लस 1 या 2x माइनस 3। अब दोनों में कॉमन हमें क्या मिला 2x माइनस 3, यहाँ पे बचता 3x और प्लस 1, तो अब x के जो गुणांक हुए सॉरी शून्य, तो इतने बराबर जब शून्य मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। इस तरह से इसके बराबर जब शून्य मानेंगे तो ये उधर जाएगा माइनस 1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 1/3।
सी। इस तरह से आप इसका गुणांक में मिल गया अल्फा और बीटा। अब आप इसकी जांच कर लीजिएगा, जैसे हमने बताया था क्या कि शून्यकों का एक योग जो होगा वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा हटके, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो कुछ इस प्रकार से है कि 4u² + 8u, ये थोड़ा सा अलग है, ये आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं हो पाएगा बट बहुत ईजी, आपको करते जाना बस उस सेम प्रोसेस से। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² + 8u, तो इसमें सबसे पहले हमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में u कॉमन है और 4 कॉमन है, तो 4u हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा u और प्लस 4 × 8, ये 2 बचेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हमें इसके बराबर जब हम जीरो मानेंगे तो एक u बराबर जो आएगा वो हमारा जीरो आएगा, और u प्लस 2 जो होगा जब इसके बराबर जीरो मानेंगे तो u बराबर आ जाएगा -2, यानी u बराबर एक बार जीरो, एक बार आया -2। तो इसमें जब हम जब शून्यकों का गुणांकों से तुलना किया जाता है तो जो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा मान लीजिए, ये बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले निकाल लीजिए, अल्फ़ा एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये हमारा आ गया जीरो और प्लस -2, तो ये हो जाएगा -2। और जब इसका हम जब ये लिखेंगे कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए ये क्या है, 8 माइनस 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 4, तो 4 रखेंगे 4 × 8, तो ये आ गया हमारा क्या, -2। इसी प्रकार से जब हम मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा 0 × -2, तो ये हो जाएगा 0। और जब हम इसका एक्स जब गुणांकों से तुलना किया जाता है तो एक्स का ये हो जाएगा अचर पद, इसमें कितना था, अचर पद इसमें था 0, तो अचर पद जो हमारा हो गया 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, तो यहाँ से 4 का जब 0 में भाग जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर है। इस तरह से इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी हटके है, t² - 15, इसका गुणनखंड किस प्रकार से होगा, ये भी बहुत ईजी होगा बट थोड़ा सा अलग है। t² - 15, यहाँ से जब इसके गुणांक ज्ञात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, t² - 15 को हम लिख सकते हैं √15² तो ये अब हो जाएगा a² - b², इसको हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं a + b t + √15, और एक क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं t - √15। तो यहाँ से दोनों शून्यक हमें प्राप्त करने के लिए दोनों के बराबर जीरो मानेंगे, तो एक बार t बराबर आएगा, इसको रखेंगे 0, तो -√15, एक बार दूसरा बार t बराबर क्या आएगा, इसको जब उस साइड करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा √15, तो t का एक बार मान हमें क्या आया, -15 एक +15 √15, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये बीटा। अब जब दोनों का हमें गुणनफल, यानी जब पहले एक बार योगफल जब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 0। अब इस तरह से हम इसका शून्यांकों का जब अचर पद लिखते हैं, x² - x का गुणांक क्या था इसमें, तो x का गुणांक इसमें है ही नहीं, वो 0 है बटे एक्स स्क्वायर यानी 1, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह से ये हमारा दोनों बराबर आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम निकालेंगे, दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये -√15 और गुणे +√15, तो ये दोनों 15 √ से बाहर आ जाएगा और प्लस -15 हो जाएगा। जबकि हम अब देखते हैं अचर पद जो गुणांकों का जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो अचर पद इसमें था -15 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी t² का गुणांक 1, तो यहाँ से आ गया ये -15, ये भी -15, यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यही क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। बाकी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है छठवां, ये हम देख लेते हैं इस प्रकार से है छठवां क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना, 3x² - x - 4 देख लेते हैं एक बार, 3x² - x - 4, तो इसको उसी तरह से करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले इसका और इसका x² और अचर पद के गुणांकों का गुणा करना है, तो ये माइनस के साथ मतलब चिन्ह के साथ ही करना है, -4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 4 × 12 और माइनस, यानी जब माइनस आ गया तो हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या को घटा करके लाना, तो अगर हम 4 से 3 को घटाएं तो 1 हमें आ जाएगा और 4 × 3 12 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² -
चार माइनस तीन एक्स माइनस चार। अब जब माइनस का गुणा करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस माइनस प्लस तीन एक्स माइनस चार, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन है एक्स, ये बचेगा थ्री एक्स माइनस चार, इसमें हम प्लस ले लेते हैं एक काम, तो थ्री एक्स माइनस चार, तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है थ्री एक्स माइनस चार, यहाँ पर बचता एक्स प्लस वन। यहाँ से जो हमारे गुणांक अगर शून्यांक जो आए वो क्या है, तो यहाँ से जब थ्री एक्स माइनस चार पर आप जीरो रखेंगे तो चार उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स का मान जो आएगा चार बटे, और तीन इधर गुणे है तो इधर बटे आ जाएगा। इसी तरह से इसके बराबर जब हम जीरो रखेंगे तो एक्स का मान माइनस वन, ये उस साइड जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि था दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है, ये इसे पूरा जो मान है अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ये आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इसके लिए आपको हम एक फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप इस सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से वो भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए दूसरे का इसका एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं द्विघात बहुपद का। चलिए इस तरह से लिख लीजिए, द्विघात बहुपद, ये दूसरे का हम हल बता रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, आपको इस तरह लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर पहले आप इसके बराबर जीरो मान लेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो जब जीरो हम मानेंगे तो इसमें जो बटे वाली संख्या होगी उससे गुणा करके उसको जीरो कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा इसको द्विघात बहुपद दिखा दिया जाएगा। तो हमें मान क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, सब मान यहाँ पर हम रखते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमें द्विघात बहुपद मिलता जाएगा। जीरो आपको नहीं रखना है लास्ट में, जीरो को हटा देना है, जब आप पूरा सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो जीरो को हटा देना, तब वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए पहला दिया हुआ था, दूसरे का पहला कि एक बटे चार और माइनस वन, तो अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है एक बटे चार और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो माइनस वन दे रखा है, दोनों इस तरह से दिया हुआ है। इसी को आपको क्या करना है, हल करना है, तो इसी फॉर्मूले रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक बटे चार इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस वन बराबर जीरो। अभी जीरो रखिए, लास्ट में बताते हैं कब हटा देते हैं। अब चार यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं, तो यहाँ से जब चार एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स और ये माइनस हो जाएगा चार एकम चार बराबर जीरो। अब यहाँ से चार का गुणा जीरो, सॉरी चार को जीरो से गुणा कर देंगे तो चार हमारा हट जाएगा, अब हमारा क्या बचेगा चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार, यही हमारा द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जीरो को हटा देना, यही आंसर हो गया। बहुत ईजी तरीके से आप लगा सकते हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए आगे का क्वेश्चन भी हम बताते चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरा, अंडर रूट में टू और एक बटे तीन, इसको भी बस इसी फार्मूले पर रखना है, अल्फा प्लस बीटा, एक बार आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया अंडर रूट टू और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है ये आपको एक बटे तीन, एक बटे तीन। चलिए इसको फार्मूले पर रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि अंडर रूट में टू एक्स इंटू सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा एक बटे तीन, अभी बराबर में जीरो करिए। अब इसको तीन का एलसीएम लेकर के इसको लिख सकते हैं, तीन जब एलसीएम में हम लेंगे तो यह जाएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन अंडर रूट में टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब तीन का गुणा हम जीरो में कर देंगे तो हमें क्या बचेगा, तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन अंडर टू एक्स और प्लस वन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी, आपको बस फॉर्मूले पे रखते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका जो ये हो गया हमारा दूसरा, अब हम तीसरा देखते हैं क्या लिखा, जीरो और अंडर रूट में पाँच। तीसरा जो हमारा होगा ये अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है ये दे रखा है जीरो और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है अंडर रूट में फाइव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले पर रखना है, तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरो एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट में फाइव। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर
और ये जीरो को हटा दीजिए प्लस अंडर रूट में 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। इस तरह से आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है एक और एक, यानी कि अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एक है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी एक है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे रखा है एक। तो इसको बहुत ईजी हो गया। ये फार्मूले पर रखिए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा 1x प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया 1। तो अब यहाँ से यही हमारा डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ईजी तरीका है इस फॉर्मूले पर अगर आप रखते जाएंगे तो। पांचवा क्वेश्चन हम करते हैं माइनस एक बटे दो और एक सॉरी माइनस एक बटे चार और एक बटे चार। पांचवा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है एक बटे चार और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है ए भी एक बटे चार है, कोई एक माइनस है, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक बटे चार। आपको स्पीड मेरी तरह ही आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि जब आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, टाइम बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व करता हूँ, जिससे आप भी आपको भी इस तरह तरीके आए जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो अगर इससे आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए, जिससे हम क्वेश्चन को और स्लो मोशन में बताएं। बट आप इस वीडियो को भी स्लो कर सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। बट मेरे ख्याल से आप ये ज़्यादा फास्ट तो नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार ये मेथड बता दिया, बस आपको क्या करना है उस सूत्र पे इसको रखते जाना है, मान को रखते जाना है। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस पहले से ही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस एक बटे चार इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक बटे चार बराबर जीरो आप रख लीजिए अभी, क्योंकि इसमें बटे में संख्या दी हुई है। तो यहाँ से हम रखेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस में प्लस एक बटे चार एक्स और प्लस एक बटे चार बराबर जीरो। यहाँ से हम जब चार एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, चार का गुणा जीरो में हम कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद जो हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छठवां क्वेश्चन, जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन है चार कामा एक, बहुत ही ईजी है। इसमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा जो दे रखा है वो लिखा है चार और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है वो एक दे रखा है, चार कामा एक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको फॉर्मूले पर रखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा चार एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले पे ही ये डायरेक्ट एक लाइन में ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड करने की जो हमने विधि बताई बहुत ही आसान विधि है, उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आप जो भी गलती करते थे उसमें नहीं होगी। आप गुणनखंड बहुत ईजी तरीके से कर लीजिए, कब आपको घटा करके लाना है, कब आपको जोड़ करके लाना है, इस तरह से कोई भी टीचर नहीं समझाता है आपको। इस तरह की सारी ट्रिक मैथ में मिलती जाएंगी, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।